सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में अगर गर्मा गर्म सूप सुबह के नाश्ते में मिल जाए तो फिर क्या कहने। और सूप में भी टोमेटो सूप हर किसी को पसंद आता है। बाकी के सूप भी अच्छे होते हैं लेकिन टोमेटो सूप पीना हर कोई पसंद करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान सा और हेल्दी से टोमेटो सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो नमस्कार, मैं कोको वेदी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं। टमाटर हो सके तो आप बिल्कुल पके हुए लीजिएगा और लाल टमाटर लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर पहाड़ी वाला टमाटर लिया है। देसी वाला टमाटर का यूज़ हमें नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसका ऊपरी हिस्सा निकाल कर इसको हम रफली मोटा मोटा कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इस टमाटर को अभी उबालना है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आज का सूप हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर तैयार करेंगे। इतना स्वाद बनेगा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। इसमें हम एक तेज़पत्ता डालेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको कि छोटा छोटा कट करके डाल देते हैं, और उसके बाद इसमें हम ये धनिया के डंठल हैं जिनको हमने इसमें डाला है। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये हमारा सूप बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। ये तीन चार लहसुन की कलियाँ हैं जो कि हमने इसमें डाली हैं, चार पांच काली मिर्च के दाने डाले हैं, और एक छोटा साइज का प्याज जिसको हमने कट करके डाल दिया है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड कर दिया है। अब आधा कप इसमें हम पानी डालेंगे। हमारे आज के इस सूप में अच्छा रंग आने के लिए हमने एक छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने डालने के बाद अब इसमें क्या डालना है, हमें नमक डालना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और सारी चीज़ों को डालकर अब हम इसको 5 मिनट के लिए गैस में ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारी ये सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं आपको तब तक इसको पकाकर तैयार करना है। आज का ये सूप बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है क्योंकि ना ही हमने इसमें तेल का यूज़ किया है, ना बटर का यूज़ किया है, ना घी मक्खन कुछ भी इसमें हमने नहीं डाला है, ना ही इसमें हम क्रीम वगैरह कुछ यूज़ करेंगे। हमें इसको हेल्दी बनाना है इसलिए हम इसको अपने इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। अब इसको एक मिक्सी के जार में डालकर हम इसको पहले ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद ही हमें इसको ग्राइंड करना है। और जो हमने इसमें तेज पत्ता डाला था उसको हम निकाल कर बाहर कर देंगे, और बाकी की सारी चीज़ें ठंडा होने के बाद हम इस तरह से ग्राइंड कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक छन्नी से छान लेते हैं जिससे कि इसमें जो भी छिलके वगैरह हों या टमाटर के बीज हों वो सारे बाहर हो जाएं। तो हमें इसको छन्नी से इस तरह से छान कर तैयार कर लेना है, और जो हमारा ये छिलके वगैरह का ये बचेगा इसको हम अलग कर देंगे। ये हमारा टमाटर का प्यूरी बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम 1/4 कप पानी और डालेंगे, और पानी डालने के बाद अब हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। लेकिन इससे पहले इसमें हम कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। हमने 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, और 1 छोटी चम्मच हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। ये हमने गैस के ऊपर इसको चढ़ा दिया है, और इसको अब हम अच्छे से पकने देंगे जिससे कि हमारी इस टोमेटो सूप में सारी चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हमारी चीनी और जो हमने काली मिर्च का पाउडर डाला था वो भी अच्छे से पक जाए। ये हमारा टोमेटो सूप लगभग अच्छे से पक चुका है। अगर आपको इसे और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर डाल सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले इसमें यही करते हैं, कोई उनके पास रॉकेट साइंस नहीं होती है सूप बनाने की। सारी चीज़ें इस तरह से डालते हैं और उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा आज का हेल्दी सा गर्मा गर्म टोमेटो सूप बनकर तैयार हो चुका है।
आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।